हेलो फ्रेंड, आरवी के रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड? आज हम बनाएंगे मशरूम मसाला। तो फ्रेंड, उसके लिए मैंने लिया लहसुन, अदरक, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ धनिया, हरी मिर्च 2 कटी, प्याज। और फ्रेंड, ये मशरूम को मैंने फ्रेंड धो लिया है, अच्छे साफ़ कर लिया है गर्म पानी में डालकर। फ्रेंड, मैंने गैस पर कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल। अब इसमें घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे जीरा, आप फिर इसमें डालेंगे प्याज। फिर प्याज को बस हल्का सा भूनना है। अब फिर हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर और साथ में फिर नमक, नमक थोड़ा हल्का डालिएगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब फिर हम डालेंगे अदरक और लहसुन। फिर हम मैंने टमाटर और प्याज के रखी मोटा मोटा काट लिया है, आपको ऐसे काटना है क्योंकि हमको इसे पेस्ट बनाना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने टमाटर और प्याज और लहसुन अदरक को हल्का सा भून लिया है। अब इसको हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे, गैस बंद कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। मैंने गैस पर कढ़ाई रखा है, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे ऑयल, फिर ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम लोग मशरूम को और इसको हल्का हम लोग फ्राई करेंगे। फिर मशरूम को हल्का हम लोग फ्राई करेंगे। फिर हमारा मशरूम जो है हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे। फिर अब इसके ऑयल में हम डालेंगे जीरा, कटा हुआ प्याज। अब फिर इसको हम लोग हल्का सा भूने, ब्राउन इसको करना है, प्याज को ब्राउन करना है। फिर दो हरी मिर्चा कटी हुई। अब फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट और टमाटर का। अब फिर इसको हम लोग भूनेंगे। फिर हमारा टमाटर प्याज का पेस्ट भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। टेस्ट के अनुसार फिर नमक डालिए। फिर नमक कम डालिए, हम लोग ग्रेवी में नमक, अरे पेस्ट में नमक पहले ही डाले हैं। हल्दी पाउडर और फिर इन सबको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। अब फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा जो मसाला है पक जाए। अब फिर हम मसाले को ढककर 10 मिनट पकाएंगे। ये फिर हमारा मसाला जो है भून चुका है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए साइड साइड ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें डालेंगे मशरूम को और फिर इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। अब फिर हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालिएगा इसमें। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सब्जी में पानी डाल दिया है। अब हम इसको ढककर 5 मिनट पकाएंगे ताकि हमारी जो सब्जी है पक जाए। चलिए फ्रेंड, जब हमारी जो सब्जी पक जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। बस इसका जो पानी है उसको पकाना है क्योंकि हमने मशरूम को फ्राई कर चुके हैं, मसाला ये भुन चुका है, बस पानी इसको पकाना है। देखिए फ्रेंड, हमारा मशरूम मसाला बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच कसूरी मेथी क्रश कर और 1/2 चम्मच फ्रेंड गरम मसाला। कसूरी मेथी और गरम मसाला को मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए फ्रेंड ढककर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे धनिया की पत्ती। ये देखिए फ्रेंड, हमारी मशरूम मसाला की सब्जी बनकर फ्रेंड तैयार हो गई। फ्रेंड ये देखने में कितनी स्पाइसी लग रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड। फ्रेंड इसमें मसाले भी बहुत ही कम पड़े हैं। फ्रेंड अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।